वेलकम बैक टू योर चैनल माय डियर स्टूडेंट। 3 फरवरी का जो अभी अभी एग्जाम हुआ है यानी नेवी SSR AA का फर्स्ट शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन जो कि आप ही के द्वारा भेजा गया है, आप स्टूडेंट्स के द्वारा इंस्टाग्राम पे भेजा गया है, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस मिले हैं और जीके के मिले हैं, तो इस वीडियो में आप देखेंगे और जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है उनको कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन जो फर्स्ट आया था जीके से काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये मुंबई में है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट मजदूर दिवस, देखिए दिवस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जिन कैंडिडेट्स का एग्जाम नेक्स्ट शिफ्ट में है वो एक बार इसको दोहरा लेंगे या जिनका कल है वो भी इस चीज़ को देख लेंगे एक बार। 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। नेक्स्ट बहुत ही इजी चीज पूछा था कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, पीडीएफ का मतलब यानी इसका फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। देखिए पोर्टेबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको आसानी से ले जाया जा सके या ले आया जा सके, ये वन वर्ड में भी आता है इंग्लिश में, ठीक है, कि वो चीज जिसको आसानी से ले जाया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, पोर्टेबल। इसी से मिलता जुलता एक और शब्द सीख लीजिए, पोर्टेबल, यानी कि जो पानी पीने योग्य होता है उसको पोर्टेबल बोलते हैं और जो चीज यहां से वहां तक ले आने लायक होती है उसको पोर्टेबल बोलते हैं, याद रखिएगा, अगले एग्जामिनेशन में हो सकता है पूछेगा, काम आएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये यही क्वेश्चन था, ये कृष्णा नदी पे स्थित है, हो सकता है कि आपके शिफ्ट में एग्जामिनेशन में पूछ दे कि ये किस राज्य में पड़ता है नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना, तो वो तेलंगाना राज्य में पड़ता है। देखिए क्वेश्चन एक ही जगह से उठा रहा है, थोड़ा सा उसके दाएं बाएं से पूछ रहा है, तो चीजों को समझिएगा। इस वीडियो में हम आपको जो क्वेश्चन आगे बन सकते हैं उसकी उम्मीद भी बताते चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भूटान की राजधानी थिम्फू, बहुत इजी क्वेश्चन और इंग्लिश के। देखिए ज़्यादातर जो भी बच्चे मैसेज कर रहे हैं उनको जीके के क्वेश्चन याद रहते हैं, इंग्लिश के बहुत ही कम बच्चों के क्वेश्चन याद रहते हैं, जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा रहता है उन्हीं को इंग्लिश के क्वेश्चन याद रहते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि अ फ्यू फ्यू द फ्यू, यहाँ से इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। और आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, आर्टिकल हम पढ़ाने जा रहे थे तो बहुत सारे बच्चे कमेंट किए कि सर अब आर्टिकल नहीं पूछता है, आप लोग तो अपने मन का ही सब समझ जाते हैं कि क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है। देखिए एक्टिव पैसिव से एक पूछा गया था और एक्टिव पैसिव की एक वीडियो बनी हुई है पहले की, ठीक है, तो उसको हम अभी लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, मात्र 7-8 मिनट का वीडियो है, उसमें आपको एक बार पूरा जितना एक्टिव पैसिव होता है सारी चीज़ें एक बार फिर से माइंड में रिकॉल हो जाएंगी, ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश किए, तो इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसको देखिएगा एक्टिव पैसिव को कैसे ईजी माध्यम से बना सकते हैं, और 2 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आया हुआ था, ठीक है, तो अभी आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और एक्टिव पैसिव की वो वीडियो देख लीजिए, आपका जरूर 2 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ों के लिए मिलेंगे, जैसे ही क्वेश्चन और सारे आएंगे हम आपको देते रहेंगे, जिनका नेक्स्ट एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।